और एक अब स्टॉक देखिए जनाब जो का जो कि जिसका जो हल्ला था ना शैल जी वो सबसे ज्यादा था वो ना 52 वीक हाई पे गया था ना ऑल टाइम हाई पे था लेकिन फिर भी आई टी सी बिलो इट्स टू हंड्रेड एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज मैं सुबह एक चीज़ देखा था शैल जी कि इस स्टॉक ने 19 अक्टूबर को हाई लगाया था इस दौर का 265 19 अक्टूबर को इसने अपना हाई लगाया और आप समझ लीजिएगा कि उन, आ, निफ्टी का जो हाई था इस दौर का वो भी 19 अक्टूबर को बन गया उन, 19 अक्टूबर को आईटीसी का ग्राफ देखिए 263 का हाई था नहीं 265 का नहीं 266 का हाई था और ठीक उसी दिन 19 अक्टूबर को निफ्टी का भी हाई बन गया इसे संजोक कहें या क्या कहें शैल जी वीरेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूं ये ना सिर्फ बाजार बाजार ही आईटीसी में खूब ही ढूंढता है देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक सीख, यहाँ पे एक सीख है।, सीख है यहाँ पर सीख ये है कि आप आप कुछ भी ढूंढ लीजिए कंपनी में कंपनी क्या देखती है अपने में वो ज्यादा मैटर करता है अग्रवाल साहब उसी शहर से हैं जहाँ से आईटीसी टी है और आप और मैं दिन भर बी और एन के एक्सचेंजेस पर जुड़े रहते हैं वेबसाइट पर आप ध्यान दीजिए कभी आपने दो पेज की प्रेजेंटेशन देखी है क्या मुझे नहीं लगता हद से हद 20-15-25 पेज की प्रेजेंटेशन होती है लेकिन देखिए काम नहीं आई वैसे मैं आपको बताऊं अग्रवाल साहब लंबी अवधि में बुलिश हैं आईटीसी पर जोड़ते हैं इनको राजेश जी जी बिल्कुल सही कहा आपने और लंबी अवधि के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आईटीसी एक बहुत ही उपयुक्त स्टॉक है जिसे इतने वोलाडाइल मार्केट में आप सेफ साइड ले सकते हो बीटा बहुत कम है लेकिन अगर आप देखो तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है एफएमसीजी में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हो रही है कंपनी ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की भी बातें करी है अगर वो नहीं भी होती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के उनके होटल्स वगैरह के वैल्यूएशन है जो कि सीधे सीधे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है बैलेंस शीट में और अगर आपकी लंबी अवधि का ध्यान हो और आपका होल्डिंग पीरियड लंबा भी हो जाए तो चार से पाँच की इस भाव में आपको डिविडेंड ई बैठती है Uh, अगर ये 200 के आसपास आ जाता है तो ये डिविडेंड और भी बेहतर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग एफडी में या डेट में पैसा रखते हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है और जिस दिन भी आ, इनका रीस्ट्रक्चरिंग होगी या वैल्यशन खोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है तो लंबी अवधि के लिए खास करके ऐसे लोग जिन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहना है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त स्टॉक है और मैंने इसे हमेशा रिकमेंड किया है और आज भी मान के चलता हूँ कि इन लेवल्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए ये ये राय आपको आ, काम करती हुई दिखेगी